वेलकम एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में, जो आप लोगों को अभी देखा जाए रिसेंटली सोशल मीडिया पे फैली हुई नजर आ रही होगी, जहां पे ये बताया जा रहा है कि आरसीबी टीम कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के कैप्टन यानी कि हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करती हुई नजर आ सकती है। अब देखिए ये खबर कितनी ज़्यादा सच है, कितनी ज़्यादा फेक है। क्या देखा जाए, हार्दिक पांड्या आरसीबी टीम में आने वाले हैं? क्या मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट हार्दिक पांड्या को हटा रही है? हम सारे के सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप आरसीबी के या फिर हार्दिक पांड्या के फैन है तो इस वीडियो को फुल वॉच करेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस की, हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में इस टीम की बहुत बुरी हालत हो गई थी। आप लोगों ने देखा होगा नंबर 9 या फिर नंबर 10 पे ये टीम थी, आप लोगों ने देखा ही होगा। जहां तक मुझे याद है इस टीम ने देखा जाए इतने ज्यादा मैचेस जीते नहीं थे, जो मैचेस हारे थे बहुत बुरी तरीके से हारे थे। तो कहीं ना कहीं इस टीम की देखा जाए परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही थी और हार्दिक पांड्या को उन्होंने ये सोच के देखा जाए अपनी टीम में ट्रेड करवाया था, क्योंकि देखा जाए ये ट्रॉफी जीतना चाहते थे। लेकिन इनकी टीम तो टॉप 4 में क्वालिफाई भी नहीं करी, तो जाहिर सी बात है हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी पे बहुत ज्यादा सवाल उठेंगे। और देखिए अगर ये हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में रखते हैं यानी कि सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, इन तीनों प्लेयर को अपनी टीम से रिलीज करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम इतने तीन बड़े प्लेयर को अपनी टीम में से रिलीज करने के बारे में सोचेगी, यानी कि वो हार्दिक पांड्या को रिलीज कर देंगे और उनकी जगह पर सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम का कैप्टन बना देंगे। और हार्दिक पांड्या अगर रिलीज होते हैं, लाइक जैसा कि वो कैमरन ग्रीन के साथ किया ट्रेड कर दिया था आरसीबी की टीम में, अगर ऐसा होता है तो आरसीबी टीम में अगर वो ट्रेड हो जाते तो मेरे हिसाब से आरसीबी टीम के लिए इससे अच्छी न्यूज नहीं होगी, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा बेहतरीन ऑलराउंडर मिलेगा। लाइक जैसे कि आपके पास कैमरन ग्रीन है ही, कैमरन ग्रीन के साथ ही साथ आपके मिडिल ऑर्डर में अगर हार्दिक पांडे आ जाते हैं तो आप लोग समझ लीजिए हार्दिक पांडे एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी इंडिया में पूरी रिप्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगी आप लोगों को। आप लोग देखिए वेंकटेश अय्यर आए चले गए, शार्दुल ठाकुर आए चले गए, शुभम दुबे आए चले गए, लेकिन हार्दिक पांडे की रिप्लेसमेंट अभी भी आप लोग ढूंढ रहे हो, यानी कि हार्दिक पांडे की रिप्लेसमेंट अभी तक किसी के पास नहीं है। और आरसीबी की टीम में एक ऐसा ऑलराउंडर आ जाता है जो इंडिया का सबसे नंबर वन पे ऑलराउंडर आता है तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहीं पे कैप्टनसी करके देंगे आपको। देखिए आप लोगों ने एक चीज हमेशा याद रखी होगी, हार्दिक पांडे जब भी गुस्से में होते हैं ना वो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं और कैप्टनसी में अपनी कैप्टनसी में ट्रॉफी जीतते हैं। देखिए जब मुंबई इंडियंस ने उन्हें आईपीएल 2021 से रिलीज कर दिया था, आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में आए और गुजरात टाइटन्स के कैप्टन बने और उन्होंने ट्रॉफी जीत ली, क्योंकि वो गुस्से में थे कि मुंबई इंडियंस ने उन्हें कैसे रिलीज कर दिया। अब देखिए मुंबई इंडियंस एक बार फिर से उन्हें अगर रिलीज कर दिया और अगर वो आरसीबी की टीम में आते हैं तो इसी गुस्से के साथ वो आरसीबी टीम को एक ट्रॉफी जितवा देंगे, आरसीबी टीम की बल्ले बल्ले हो जाएगी और फिर आरसीबी टीम चाहे तो आराम से हार्दिक पांड्या को फुल टाइम कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि टॉप 3 ब्रांड वैल्यू में देखोगे आईपीएल की तो आप लोगों को मुंबई इंडियंस, सीएसके टीम, आरसीबी टीम, ये तीन टीमें देखने को मिलेंगी, जिसमें से टॉप 2 में तो सीएसके और आरसीबी देखने को मिलती है। तो जाहिर सी बात है हार्दिक पांड्या तो आराम से रुक जाएंगे। देखिए उनकी एज भी इतनी ज्यादा नहीं है कि आप बोलो कि उनकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी है, अगर उनकी फिटनेस साथ देती है तो आराम से वो 8 से 9 साल आईपीएल में आरसीबी टीम की कैप्टनसी कर सकते हैं। तो बाकी आप लोग इसमें क्या ओपिनियन है, आरसीबी टीम की कैप्टनसी कर सकते हैं हार्दिक पांड्या या फिर नहीं कर सकते हैं? आप लोग अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में।